hello everyone before we will take exercise 4.3 let's have a discussion related to quadratic formula this quadratic formula which we will discuss it in a few minutes is very important for further solving the equations okay for your competitive exams also this formula is very important let's go for the formula according to the quadratic formula suppose that general equation of a quadratic is ax square plus bx plus c now according to the quadratic formula we can still find out the value of x abhi previous exercise by using the factorization we have taken out the value of x Okay, now by using the quadratic formula, how will you take the value? Now, this is the quadratic equation which is in the positive form. So, to find out the value of x, the formula is minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a.

and upon 2a so this is the quadratic formula here b square minus 4ac is also called as d capital d capital d instead of this you can write it like x equal minus b plus minus root of d upon 2a also this d is called a discriminant डिस्क्रिमिनेंट ओके तो हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं अब आई एम टेकिंग एनी इक्वेशन हियर सपोज दिस इज द इक्वेशन इक्वल टू जीरो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स हियर सो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स हियर ए इक्वल कोफिशियंट ऑफ एक्स केयर दैट इज टू बी इक्वल थ्री एंड सी इक्वल माइनस फाइव लुक एट द क्वारेटिक इक्वेशन क्वारेटिक इक्वेशन पॉजिटिव में है सो इफ इट इज इन नेगेटिव सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू लाइक दिस अब एक्स की वैल्यू निकालनी है बाई यूजिंग द क्वारेटिक फॉर्मूला फॉर्मूलाइज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्य माइनस फोर ए सी रूट अपॉन टू ए सो माइनस बी माइनस बी प्लस माइनस B square, B square minus 4 into A into C. Okay? Upon 2 into A, 2 into 2. So, x value minus 3 plus minus 9 and it will become 40 upon 4.

एक बार आप माइनस वैल्यू लेकर टू यू विल गेट दैल्यू ऑफ एक्स सो दिस मेथड इज क्वाइट इंपॉर्टेंट मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप उसको फैक्ट्राइजेशन के मेथड से यू यू कैन नॉट एबल टू फाइंड आउट इट्स आंसर वैल्यू ऑफ एक्स तो इट विल बी बेटर इफ यू विल यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस फोर ए सी स्केयर रूट अपॉन टू ए एंड बी स्क्र माइनस फोर ए सी इज ऑल्सो कॉल्ड एज डी दैट इज डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट अगर ये वैल्यू ये वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी और जीरो होगी देन ओनली यू कैन फाइंड आउट दी वैल्यू अगर मान लीजिए यहाँ पे डी की वैल्यू आपकी नेगेटिव में आ जाती है बीस के माइनस फोर ए सी नेगेटिव में आ जाती है तो नेगेटिव का स्केयर रूट यू कांट फाइंड आउट दैट यू विल डू द एक्सप्लेनेशन इन इलेवेंथ क्लास कि नेगेटिव का भी स्केयर रूट निकाल सकते हैं बट अप टू नाउ आपको ये नहीं पता यू डोंट नो कि नेगेटिव का भी इसके रूट होता है सो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव में आती है तो इट मीन्स दैट रूट आर नॉट पॉसिबल और यू कैन से दैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट पॉसिबल इन दैट सिचुएशन ओके नाउ वी विल गो फॉर द क्वेश्चन क्वेश्चन वन दे आर आस्किंग अबाउट द क्वेश्चन वन बाय यूजिंग द कम्प्लीटिंग द स्केयर तो ये क्वेश्चन वन में जो कम्प्लीटिंग द स्केयर है नाउ इट इज नॉट इन द सलेबस सो वी विल टेक क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन टू टूगेदर सो क्वेश्चन वन एंड टू इन क्वेश्चन टू इट इज रिटर्न फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाट्रिटिक इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन वन बाय अप्लाइंग द क्वाटिटिक formula so we will be using the quadratic formula in question one so question one and question two is same so completing the square is not in the syllabus so first part 2x square minus 7x plus 3 equals 0 question is as i have told it आप इट विल बी सेफ फॉर यू अगर आप पहले डी की वैल्यू निकाल लेते हैं उससे हमें पता चल जाएगा कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते तो हेयर ए इक्वल टू बी इक्वल माइनस सेवन एंड सी इक्वल थ्री सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट डी डिस्क्रिमिनेंट जिससे आपका रूट्स का पता चल जाएगा कि वो नेगेटिव में तो नहीं आ रहा अगर नेगेटिव में आ रहा होगा देन यू विल राइट Root does not exist. So, this is b square minus 4 into a into c 49 minus 24 that is 25. So, since d is positive, the roots exist. Karenge. Now, we will find out minus b, minus of minus b, it will become plus minus root square root of d. d we have already taken it square root of 25 upon 2 into a. 2 into 2. So it will be coming as x equals 7 plus minus 25 square root. You will take it as 5 upon 4. As I have told it, ek bara plus ka sign it to get the value of x and once you will take it minus. So 7 plus 5 upon 4 that is 12 upon 4 x equal 3 and egg bar up minus ka sign lenge. Yaha par aap minus ka sign Upon 4 x equal 2 upon 4, cancel it x equal half. So these are the two values over here. So I think this step is clear to all of you. Okay. So this is the easiest way without th thinking to find out the value of x i am taking the third part now in third part question is 4x square plus 4 root 3x plus 3 equals 0 again we will take we will a equal 4 बी इक्वल फोर रूट थ्री एंड सी इक्वल थ्री तो टू बी अ सेफर साइड आप पहले डी की वैल्यू निकाल लीजिए सो डी इक्वल बीस के माइनस फोर ए सी सो बीस के फोर रूट थ्री होल स्केयर माइनस फोर इंटू फोर इंटू थ्री सो फोर रूट थ्री स्केयर फोर रूट थ्री इंटू फोर रूट थ्री सो इट विल कम एज फोर्टी एट माइनस सिक्सटीन फोर्टी एट तो इट इज कमिंग एज जीरो नहीं होना चाहिए यहाँ पे डिस्क्रीमिनेंट जीरो uh, आ रहा है विच इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव तो वी कैन स्टिल डू इट माइनस बी माइनस फोर रूट थ्री प्लस माइनस रूट डी जीरो अपॉन टू इंटू फोर सो एक्स इक्वल माइनस फोर रूट थ्री प्लस माइनस के रूट ऑफ जीरो दैट इज जीरो अपॉन एट अब इस क्वेश्चन में देखिए अगर आप प्लस जीरो करते हैं तब भी वही आंसर आएगा माइनस जीरो करते हैं देन आल्सो यू विल गेट इट सेम सो व्हाट डज इट मीन आपके पास यू विल गेट सेस दी डिग्रीज टू यू विल बी गेटिंग टू वैल्यूज ओके सो इस केस में बताइए व्हाट विल बी द टू वैल्यूज कौन सी होंगी टू वैल्यूज If you are taking plus 0 leere, and then also you will get this one. Cancel it. Minus root 3 upon 2. And if you are taking minus 0 then also you will get it. Minus root 3 upon 2. Isn't it? So, here you are getting the two values and the both values are repeating. आप इसको एक बार नहीं लिखेंगे मैनी स्टूडेंट डू दिस मिस्टेक सिंस यू आर गेटिंग द सेम आंसर तो वो एक ही बार लिख देते हैं अगर हम उसको एक बार लिखेंगे तो इट मीन्स इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन और अगर वन सॉल्यूशन की बात करें तो इट मीन्स वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा एंड दी वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देयर शुड बी टू वैल्यूज And here both the values are repeating. Same value we are getting it. So it will be repeating. Clear? Fourth part. In fourth part, question is 2x square plus x plus 4 equals 0. So first we will find out d. d is b square minus 4ac. So it will be b. बी क्या है यहां पे कोफिशियंट ऑफ एक्स कोफिशंट ऑफ एक्स इज वन माइनस फोर इन टू ए इंटू सी सो यू आर गेटिंग टू सो दिस इज कमिंग एज माइनस थर्टी वन तो क्या मतलब हुआ यहां पे d की वैल्यू सिंस d इज लेस देन जीरो डेट डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है लेस देन जीरो रूट आर नॉट पॉसिबल यू कॉन्ट फाइंड आउट दिटिक वैल्यूर वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिकूट नहीं निकाल पाएंगे सिंस डी इज लेस देन जीरो देर फोर रूट डज नॉट एक्सिस्ट सो इट मीन्स दैट